करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान और पाखंडवाद को दूर करने वाले संत श्रोमणी सतगुरुदास जी और बहुजन समाज की दिलों की धड़कनों पर राज करने वाले परम पूज्य बाबा साहब आज के समय में वीरों में वीर उस वीर को नमन करने के लिए सभी युवाओं को याद करते हुए शहीद उधम सिंह जी दूर दराज गांव में आदिवासियों को दिल की धड़कनों पर राज करने वाले बिरसा मुंडा जी, महिलाओं की शक्ति को उजागर करने वाली झलकारी और फूलन देवी जी और समय समय पर अपनी कलम की ताकत को दिखाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी और बहुजन समाज ने जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। आज इस आयोजक का जो संचालन है आयोजक अर्चना जी ने किया है, इनका भी धन्यवाद। हमारे भंते जी बैठे हुए हैं, इनको भी मेरा धन्यवाद, साधुवाद। जोश साहब बैठे हुए हैं, आईपी जोश साहब जी आज से हमारे साथी चलकर आए हैं, इनका भी धन्यवाद। केसी पीपल साहब जी का और पूर्व में सरकार रही उत्तर प्रदेश में बसपा को मजबूती देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दत्तू प्रसाद जी और देश ही नहीं विदेश में बहुजन समाज को झंडा बुलंद करने वाले आईएफएस प्रताप सिंह जी मेरे साथ चलकर आए, पत्रकार महोदय संजीव जी, विजय जाटव जी, नरेश गौतम जी, सुभाष सागर जी। साथियों, हम लोग ये बैनर जो लगा हुआ है इसको पढ़ रहे हैं कि बहुजन समाज बनाए और जिन हम कार्यों में पिछड़े हैं उन्हें हम मजबूती दें। साथियों, अभी हमारे कुछ वक्ता कहकर गए, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना उससे तो कुछ हो रहा वो भी ठीक है। जो लोग घर बैठे हैं अगर व्हाट्सएप मैसेज खेलते हैं वो भी ठीक है, कम से कम 10 या 20 ग्रुप में भेज तो रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। जिसने पूरे जीवन में कभी काम ना किया हो बहुजन समाज में बाबा साहब के मिशन के लिए, अगर कोई आज चलकर आया हो तो कदम तो उसका भी धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहता हूं हम बहुजन समाज किस रूप से बना ले। जिस प्रकार एक मंदिर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये सब बस सकते हैं तो इस बुद्ध विहार में रविदास जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी। ये मेरी दूसरी मीटिंग है इस बुद्ध विहार में, मैं पहले भी कह गया था और जो इस बुद्ध विहार को देख रहे हैं कि संत श्रोमणी रविदास जी की मूर्ति होनी चाहिए, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति होनी चाहिए, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं। अगर हम बहुजन समाज की बनाने की बात कर रहे हैं, जो साथी यहां चलकर आए हैं, हो सकता है वो जाट समाज से हो, गुर्जर समाज से हो, यादव समाज से हो, पश्च समाज से हो, लेकिन हर व्यक्ति के महापुरुष की पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें बहुजन समाज बनाना है, जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं और जब आप राम पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, बच्चा साथ में होता है वो क्या पूछता है, बेटा ये राम की मूर्ति है, बेटा ये हनुमान की मूर्ति है, बेटा ये लक्ष्मण की मूर्ति है, ये शेरावाली की है, ये काली की है, ये दुर्गा की है, ये पता नहीं किस किस की है। तो जब यहाँ पर लोग आएंगे, अभी हम चर्चा कर रहे थे जैसे बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध भगवान की लगी हुई है तो रविदास जी की होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं? अगर बहुजन समाज बनाना है तो हमें मजबूती से समाज आईना होता है।
लेकिन सभी महापुरुषों की मूर्ति होनी चाहिए।